कि आप लोग थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दें और उसके बाद फिर हम इस इवेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं सादर नमस्कार करता हूँ और आप लोग यहाँ पे आए हमारे फिल्म के पहले टीज़र और पोस्टर लॉन्च में। तो मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ और मेरे फिल्म के नायक सुबोध महतो और नायिका हमारी कशिश जी हैं। और इस फिल्म को बनाने में हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी जो कि अब सार्थक नज़र आ रही है और आज से ही सिलसिला चालू हो गया और जल्दी हम फिल्म को रिलीज़ भी करेंगे। मैं सुबोध महतो साहब से जानना चाहता हूँ, बेसिकली फिल्म का नाम आप लोगों ने दिया है एक योगी। जब आज का माहौल ऐसा है कि जब हम योगी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके हमारे योगी आदित्यनाथ से जुड़ जाती है, तो क्या उनकी बायोपिक जैसी कोई फिल्म है? ये सरप्राइज है। आप थिएटर देखने थिएटर में जब जाएंगे देखने के लिए तभी मालूम चलेगा कि ये योगी आदित्यनाथ जी पे बनी है या फिर किसी और पे है। नहीं, उन पर नहीं बनी हुई, इस बात से आप डिनाई करते हैं? आप तो वही क्वेश्चन को दोबारा पूछ रहे हैं। नहीं, अगर बनी है आप नहीं बता सकते हैं तो कम से कम नहीं बनी है यही कह दीजिए। कुछ कह नहीं सकते, बट आप जरूर जाइए देखने तो पता चल जाएगा कि क्या है। तो चलिए मैं आपकी ही बात कर लेता हूँ इस फिल्म के बारे में। जब योगी का बेसिकली आप लीड एक्टर हैं तो ऑब्वियसली आप योगी के किरदार में होंगे। हाँ। क्या है ये बेसिकली किरदार जो पर्दे पर दिया है? योगी एक ऐसा शख्स है जो एक आश्रम में आश्रम यहाँ पे ना ओके एक ऐसा शख्स है योगी जो एक आश्रम से पला बड़ा है। वो एक गुरुजी हैं जो उन्हें जो एक बेसिक बुनियादी शिक्षा जो होती है वो देने के बाद उन्हें वो विदेश भेजते हैं। जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, जो हम जिन्हें हम बाहर जाके पढ़ाई करते हैं और डॉक्टरी इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, तो उसकी पढ़ाई करने के लिए वो बाहर भेजते हैं। वहाँ से आने के बाद जब वो उसकी पढ़ाई कम्प्लीट हो जाती है तो गुरुजी का कहना रहता है कि जो तुमने पढ़ाई करा बुनियादी शिक्षा आश्रम में रह के, साथ साथ वेस्टर्न जो पढ़ाई होती है एजुकेशन सिस्टम होती है उसके बारे में तूने जानकारी प्राप्त कर ली है, अब इसी चीज़ को तुम्हें जो हमारा निजी जीवन होता है जो गाँव में जा जाके इसके बारे में कि संस्कार जो हमारा बुनियादी शिक्षा जो गांधी जी ने चलाया था उन्होंने बोला है बुनियादी शिक्षा के बारे में, तो उसको फैलाओ। साथ में जो वेस्टर्न कल्चर जो क्योंकि हमें किसी कहीं ना कहीं आज के दौर के अनुसार भी चलना बहुत ज़रूरी होता है, तो दोनों को हम लोग बैलेंस होके चलना बहुत ज़रूरी है। इसी को लेके ये फिल्म बनी है और योगी का जो मेन किरदार है यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कशिश, आप अपने किरदार के बारे में हमारे कुछ बताएं। एक्चुअली मैं इस मूवी में बहुत चुलबुली टाइप की लड़की हूँ और मतलब मैं अपने घर में सब लोगों को बहुत प्यार करती हूँ एंड सबके साथ मतलब घुल मिल करके रहती हूँ और सब यहाँ देखने अच्छा ओके ओके फिर मैं अपने गांव वालों को भी देखती हूँ और पढ़ाई लिखाई भी करती हूँ। मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि गांव में अगर हम होते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होता है पढ़ाई लिखाई की, लेकिन मैं भी पढ़ाई करती हूँ और इसमें यही है कि मतलब पढ़ाई करते हुए गांव को भी देखना, अपनी फैमिली को भी देखना और उसके साथ फिर योगी जी आते हैं मुझे इसमें इनके प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन भी होता है और बस यही है। तो आखिर अट्रैक्शन योगी जी से, योगी के तो लोग हमारे देश में पैर छूते हैं, उनकी पूजा करते हैं, योगी से प्यार करने का ऐसा कौन सा अट्रैक्शन पॉइंट था जिसने आपके पूरी करियर के रुख को बदल दिया? ऐसा नहीं होता, प्यार किसी से भी हो सकता है। सर, मैं बाल ब्रह्मचारी नहीं हूँ। प्यार को हम लोग दूसरे वे से हम लोग देखते हैं, जैसे कहा जाता है कि नहीं सो मोहब्बत जो हमारे गुरुजी लोग होते हैं या फिर जो साधु बन जाते हैं वो प्यार नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारी डिसीजन होती है, वो हमारा निजी जीवन होता है कि हम प्यार को एक जो हमारा व्यवहारिक जीवन होता है क्या उसमें हम ला सकते हैं अथवा नहीं ला सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है। ये बड़ा अलग किस्म का योगी है, ये बड़ा अलग किस्म का योगी है जो कि गानों पर डांस करता है और प्रेम करता है लड़कियों से। बिल्कुल, ये योग की थोड़ी सी नई परिभाषा है जो आज मैंने सुनी आपसे। बदल दिया पूरा। सर, यही तो गलतफहमी है लोगों में कि मोहब्बत का असली मतलब सिर्फ हम लोग जो फिल्मों में या फिर जो देखते हैं जनरली या फिर किसी से सुनते हैं
कि नहीं सो मोहब्बत इस तरीके का होता है नहीं. एक्चुअली इसीलिए इसका टाइटल ही रखा है मैंने एक योगी. एक्चुअली आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं डायरेक्टर साहब से. तो इस फिल्म के डायरेक्टर जी जी क्या संदेश है इस फिल्म का समाज के लिए, क्या फर्क पड़ेगा उनको, क्या इसे सीख मिलेगी हमारे भारत के जो लोग हैं, जो कल्चर के लोग हैं, जो भारतीय संस्कृति हमारा है उस पे ये फिल्म क्या असर डाल सकती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने. एक्चुअली जो बुनियादी शिक्षा के बारे में अभी सुबोध बोल रहा था जी, महात्मा गांधी जी का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था बुनियादी शिक्षा को इम्प्लीमेंट करने का. तो जो आत्मसंति दर्शी संत होते हैं उनकी एक अलग से देखने का दृष्टिकोण होता है समाज को. तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये जो कहानी है कि जो संत हैं योगी हैं वो किस तरीके से समाज को देखना चाहते हैं. तो इस कहानी में एक संत है जो कि अपने लड़के को वेस्टर्न एजुकेशन देने के साथ साथ बुनियादी शिक्षा के बारे में गांव में भेजता है और इसके बारे में समझाने के लिए कार्य करता है. तो मैं जहां तक सोच पा रहा हूं और समझ पा रहा हूं कि भोजपुरी फिल्म में ऐसा अभी तक कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं है जिसको हम लोग लेकर आए हैं और शायद इससे हम कुछ समाज को बदल सकें, चेंज कर सकें. मुझे याद है अमर दुबे जी कि पिछले दिनों योगी जी के आसपास ऐसी ही नाम वाली एक हिंदी फिल्म अनाउंस हुई थी और जिसे बहुत जल्द हमारे एक मित्र बना रहे थे, लखनऊ में सिर्फ उसका पोस्टर लॉन्च हुआ और वो फिल्म उसके बाद बंद हो गई. तो बहुत सारी चुनौतियां आप लोगों के सामने भी आएंगी. जी जी नो डाउट सर, बहुत सारी चुनौतियां आई भी हमारे सामने. चूँकि जब मैं टाइटल रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा था तब से चुनौतियां मेरे सामने खड़ी हैं. लेकिन ये सब चुनौतियां तो मेरे सामने और सबके सामने आएंगी, लेकिन इन्हीं को फाइट करते हुए हमें आगे बढ़ना है और एक योगी जल्दी आपके पर्दे पे दिखेगी. जरा आपके टीम के साथ जुड़े जो लोग हैं, किसकी कहानी है ये और बाकी जो पर्दे के पीछे के जो हीरो हैं उनके बारे में हमें बताएं. जी जैसा कि आज आप लोगों ने गाना देखा हमारा गाना बहुत ही खूबसूरत शूट करने के पीछे मेरे बहुत ही बेहतरीन मित्र हैं फिरोज खान जी, जिनको मैं मंच पे बुलाऊंगा वो आए. और उसमें मारधाड़ भी आप लोगों ने देखा था, मारधाड़ में हमारे श्रवण जी हैं उनको भी मैं बुलाऊंगा मंच पे. इन दोनों लोगों का बहुत ही सहयोग रहा, रांची के बीहड़ गांव में जाके हम लोगों ने इस फिल्म को शूट किया है और इन लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है इस फिल्म. कब तक आएगी फिल्म ये योगी जी? ये अप्रैल में आपके सिनेमा घरों में दिखेगी. अच्छा अभी चुनाव का माहौल चल रही है जी, एक योगी लगता है जी, आप पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ तो इस मौके पे तो आप कवरेज नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं सर, मैं एकदम पॉलिटिक्स पे वो विश्वास नहीं करता. ये मेरी फिल्म 1.5 साल पहले से लिखी गई थी. मेरे इस फिल्म के राइटर नंदलाल जी हैं और मैं उनका स्टूडेंट रहा हूँ. मैं वाराणसी से हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ये कहानी लिखी गई थी. लगभग 1.5 सालों से इस पर मैं मेहनत कर रहा था और आज आपके सामने दिख रही है. और ये तो एक संयोग कहेंगे कि चुनाव भी आ गया है और मेरी फिल्म भी आ रही है, तो मैं उससे थोड़ा भी इत्तेफाक नहीं रखता. ठीक है राहुल भाई जी, हम कोई सवाल करना चाहेंगे? सबसे पहले आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार. मैं एफ ए खान, कोरियोग्राफर. ये जो योगी फिल्म है ये मैंने ही की है एज ए कोरियोग्राफर. और ये फिल्म जब अमर भाई शूट कर रहे थे, जब हम उनके साथ में रांची में थे, तो ये फिल्म बनाने के टाइम पे बहुत ही मेहनत और मशक्कत हुई है. और उसके साथ हमारा हीरो सुबोध जी और हीरोइन कशिश बहुत मेहनत की इस फिल्म में. और हमने कोशिश की है कि लोगों को ये पिक्चर अच्छी लगे, इसके गाने अच्छे लगे. और इससे कुछ इस फिल्मों में काफ़ी कुछ है चीज़ें जो कि मतलब लोगों को समझाने के लिए मैसेज है इसमें, वो आप लोग देखेंगे तो शायद आप लोगों को पसंद आए और अच्छा भी लगेगा. नमस्कार, मेरा नाम श्रवण कुमार है, मैं इस फिल्म का फाइट मास्टर हूँ. और सुबोध भाई बहुत ही मस्त और बहुत ही अच्छे लड़के हैं. फर्स्ट टाइम काम किया मैंने इनके साथ में, मुझे लगा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा काम करके दिखाएंगे. बाकी आर्टिस्टों के साथ हमने काम किया है लेकिन उतना नहीं लगता था जितना इनके साथ काम करने में मज़ा आया मुझे. एक्चुअली हर आदमी अलग अलग होता है, अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं, अलग अलग तरीके से मिलते हैं. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जिस साँचे में ढालो उसमें ढलते चले जाते हैं. तो वो ऐसा था सुबोध जी के अंदर कि मतलब उनको जो चीज़ बताया गया उसको परफेक्ट उन्होंने किया और बहुत अच्छा करने की कोशिश किया है हम लोगों ने. तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. बाकी नमस्कार, नमस्कार, हैप्पी होली सबको. थैंक यू. सबसे पहली बात तो ये
कि आप सभी जो मीडिया भाई यहाँ पे आए हैं, मैं नमन करता हूँ, नमस्कार भी करता हूँ आप लोगों को, और तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करता हूँ। सब मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, मैं खुद एक मीडिया का आदमी हूँ, और आज बड़े खुशी की बात है कि ये जो फिल्म है योगी, ये हमारे बड़े परम मित्र हैं और इनसे लगाव बहुत पहले से भी रहा है। जब पत्रकार होते थे क्या ये भी पहले? नहीं, पत्रकार तो नहीं होते थे, लेकिन एक मित्रता होती है। नहीं नहीं नहीं, देखिए फिल्मों का लगाव रहा है, फिल्मों का लगाव रहा है, मीडिया के बिना फिल्म नहीं और फिल्म के बिना मीडिया नहीं। तो जब हम लोग बैठे इस पे प्लान बनाया तो इनका एक विचार था कि कुछ अच्छी चीज़ें लाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भोजपुरी सिनेमा रहा है पहले से अश्लील की वजह से, जो शब्द है अश्लील शब्द जो है, इसके वजह से भोजपुरी सिनेमा पिछले कई दिनों से बदनाम चल रहा था, बहुत सारे घटनाओं से प्रेरित हो रहा था, बहुत सारे जो हीरो हैं हमारे उनके ऊपर हमला भी हुआ था, आप लोगों ने देखे थे स्टेज शो करने जब जा रहे थे, खेसारी जी, पवन जी, कई लोगों के ऊपर, क्योंकि इस तरीके की आप फिल्में बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे समाज पर असर पड़ता है। तो भाई साहब से जब हमारी मित्रता हुई तो हमने एक सजेशन भी दिया कि कोई ऐसी फिल्में बनाया जाए जो समाज में एक अच्छा संदेश मिले, एक हम परिवार के साथ बैठ के उस फिल्म को देख सकें। तो उसके बाद में इन्होंने एक रूपांतर के तरह इस चीज़ को बनाए और कहीं ना कहीं एक सत्य जो घटना है, कहीं ना कहीं एक सच जो चीज़ है, समाज के सामने लाने की इन्होंने कोशिश की है। और बेसिकली ये फिल्म शिक्षा पे आधारित है, ज्ञान पे आधारित है, और जो चीज़ें हर इंसान से जुड़ा हुआ है। जी अच्छा, युवा पीढ़ी को क्या संदेश दे रहा है आपके तारीख पे? टेक्निकल जमाना है जी, आज के सबके हाथ में मोबाइल हर जी देख सकता है, तो एक योगी साधु संतों का नाम रखता है और इसमें दिखाया अलग तो युवा पीढ़ी का यूनिफॉर्म या वेशभूषा है, इसके युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहिए? जो युवा पीढ़ी आज के तारीख में एंड्रॉइड फोन लेकर के सिर्फ वो फिल्में देखते हैं जो उनके लाइफ के लिए और समाज के लिए भी हानिकारक है, जो चीज़ें नहीं देखना चाहिए, एक संदेश ये है कि आज की युवा पीढ़ी सिर्फ वेस्टर्न कल्चर की तरफ ना जाएं, कम से कम ये भी देखें कि हमारा जो भारतीय समाज है उनका कल्चर क्या है। हम लोग जिस भारत देश में रहते हैं ये देवों की भूमि है, यहाँ के जो लोग हैं कहीं ना कहीं भारतीय परंपरा के साथ जीते हैं, तो वो कल्चर को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ चीज़ों को दिया गया है कि सिर्फ आप अपने लिए एंजॉय ना करें, फिल्म बनती है समाज में अच्छे मैसेज देने के लिए, इसीलिए फिल्म को लाया गया है। राहुल जी का क्या कोई किरदार भी है इसमें? नहीं सर, हमारा तो कोई किरदार नहीं, बस एक ही किरदार है कि आप सभी मित्र भाइयों के साथ में एक समाज सेवा करता रहता हूँ। मेरे जो प्रिय मित्र हैं ये मौसमी जी हुए, मौसमी पंडित हैं, अगले फिल्म की हीरोइन ये भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि हम सारे मित्रों के साथ में थोड़ा सा वक्त हम भी शेयर करें, क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों से नहीं मुलाकात हुई थी, इसी बहाने आज मिलने का मौका मिल गया है। आपकी हीरोइन को पूछ लेता हूं। जी मैडम, जी अभी राहुल ने बताया कि आपकी कोई फिल्म अपकमिंग है, जरा बताएं उस फिल्म के बारे में। बस वो तो सिर्फ हमने सुनी है। कैमरे के नजदीक, माइक के नजदीक आप आवाज बोलेंगी तो आपकी आवाज को हम खुल के बोलिए, एकदम बताइए। ये तो राहुल जी ने मुझे अभी अभी सरप्राइज दिया कि अगली फिल्म की हीरोइन मैं हूँ, तो उसके बारे में फिलहाल मुझे भी अभी कुछ जानकारी नहीं है, मतलब बहुत जल्द अगर पता चल गई तो जरूर बता देंगे हम आपको। आज मजा आया आपको इस इवेंट में? जरूर जी हाँ। योगी आपने देखे, गाने देखे, यहाँ पर टीजर देखा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था। अगर इस टाइप के अगले अगर सिनेमा अगर निकल गए इसमें कौन सा रोल पसंद करोगे? सॉरी, अगर योगी ये सिनेमा के बारे में फिल्म निकल रहे, अगर फिल्म भी अगर आपको रोल मिला तो कौन सा रोल पसंद करोगे? रोल एज अ लीड, आई थिंक सो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं आप सभी दोस्तों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि भोजपुरी सिनेमा पे जो एक दाग सा लग रहा है छोटा छोटा, कहीं ना कहीं हम मीडिया भाई हैं यहाँ पे सारे लोग हैं, अश्लील शब्दों की वजह से जो बदनामी के दौर से जो भोजपुरी सिनेमा गुजर रहा है, कहीं ना कहीं उसको ये जो दाग है उसको मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। ये जो फिल्म है योगी फिल्म से यही एक है कि ऐसी फिल्में नहीं बल्कि और अच्छी फिल्में बन सकती है, जैसे कि आज से हम 20 साल पीछे चले जाएं तो बहुत सारे ऐसी अवधि फिल्में, मैथिली फिल्में हम देखते थे जिसमें बिहार का या उत्तर प्रदेश का या पूरे भारत का संस्कृति और वहाँ का कल्चर दिखाई देता था। तो ये फिल्म से हो सकता है कि जो इल्ज़ाम लगते आ रहे हैं कि भोजपुरी फिल्मों में हमेशा ड्यूट सॉन्ग होता है, ड्यूट शब्द होते हैं, ड्यूट गाने होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे समाज में अश्लीलता फैलाने का काम करता है, तो हो सकता है ये फिल्म के माध्यम से कुछ ना कुछ ये चीज़ें जो हैं, ये बदनामी का जो घटा है वो छटने जरूरी है, तो इसी वजह से ये फिल्म को निर्माण हमारे भाई साहब ने की। अगले इलेक्शन में कहाँ से लड़ रहे हो? जी मैं मेरे से सवाल है, मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि राजनीतिक से मैं बहुत दूर हूँ,
आप जान रहे हैं मेरे बारे में, आज 25 साल से अगर मैं मीडिया में वर्क कर रहा हूँ, आज भी 4 चैनल लेकर के मीडिया में चला रहा हूँ। चैनल चलाने का मतलब है मुझे समाज सेवा करना। आप आनंद भाई मेरे साथ काम कर चुके हैं, हम लोग बहुत करीबी मित्र रह चुके हैं, जितना यहाँ पे हैं सारे दोस्त हैं। तो राजनीतिक ठीक है, राजनीतिक अपनी जगह है, लेकिन एक समाज सेवा है उससे बढ़िया कोई काम नहीं है। और मीडिया चलाना है, मीडिया को भी लोग बहुत तरह से उंगली उठाते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मीडिया हमारा चल रहा है तो मीडिया चलाना और देश चलाना दोनों एक समान होता है, लेकिन उसमें ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंट बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहा तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से हम पत्रकार भाई भी बदनाम होते हैं। आप लोगों को सब चीज़ मालूम है। थैंक यू। अब इसके आगे कुछ कहना नहीं चाहें, कुछ गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा। थैंक यू।